प्रदेश में कोरोना का कोहराम जारी है। राजस्थान में आज 102 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 9,475 हो गई और जयपुर में 28, भरतपुर में 18, अलवर की अगर बात करें 13 कोरोना पॉजिटिव मिले, नागौर में भी 13, झालावाड़ में 10, 12 की अगर बात करें यहां 3 कोरोना पॉजिटिव मिले, डूंगरपुर में भी 3, करौली में 2, कोटा में 3 कोरोना पॉजिटिव मिले, राजसमंद में भी 3, सिरोही में 2 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए, चूरू और धौलपुर की अगर बात करें एक एक कोरोना पॉजिटिव यहां से मिले। भरतपुर से हमारे संवाददाता राजेंद्र जती फिलहाल फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजेंद्र, देखिए लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, भरतपुर में जो संख्या अभी निकलकर सामने आ रही है बेहद चिंता का विषय होता जा रहा है। किस प्रकार के इंतजाम हैं, क्या तैयारियां हैं? जी मनीषा, मैं बताना चाहूंगा भरतपुर में कोरोना विस्फोट के हालात बढ़ ही रहे हैं। अभी भी आज भी जो अभी तक 2 बुलेटिन आए हैं मेडिकल विभाग के, उनमें मतलब सुबह जो आए थे 23 केसेज आए थे और अब जो दोपहर को बुलेटिन आया उसमें 12 केसेज और हैं, तो कुल मिलाकर के आज 35 केसेज भरतपुर में कोरोना पॉजिटिव के मिले हैं और कुल मिलाकर के इनका आंकड़ा 370 में हो चुका है। हालांकि हम नगर निगम जो पूरा क्षेत्र है उस क्षेत्र में जिला प्रशासन की ओर से कर्फ्यू कई दिन पहले लगा दिया था, लेकिन उस कर्फ्यू के वजह के बाद जो लोगों का आवागमन खूब हो रहा था और केसेज बढ़ रहे हैं, 7 दिन में लगातार केसेज बढ़े, इस बात को लेकर के कल जिला कलेक्टर नथवर डिडेल की ओर से महाकर्फ्यू लगाने के आदेश आज दिए गए हैं। तो उसकी पालना में आज भरतपुर शहर का पूरा बाजार बंद है, मंडी बंद है, आड़त बंद है और अन्य जो कारोबार है वो सभी बंद है, लेकिन उसकी इसलिए बंद किए गए कि लोगों का आवागमन कम हो, लोग घरों पर सुरक्षित रहें, डिस्टेंस रखें, उसकी वजह से आज की गई है। उसकी के लिए पुलिस फोर्स और काफी इंतजाम यहाँ शहर में भी रहे हैं और काफी इंतजाम है। एडीएम सिटी राजेश गोयल और अन्य पुलिस के अधिकारियों ने शहर का अवलोकन भी किया है, देखा भी है, लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि इन मतलब कोरोना की जो बढ़ती केसेज हैं, इन पर कैसे रोक लगे, किस तरह से मतलब पालना हो, इस बात को लेकर जिला प्रशासन चिंतित है, सरकार चिंतित है। भरतपुर जिले में 3 मंत्री राजस्थान सरकार में, सभी लोग चिंता करे हुए हैं और हालात अभी ठीक ही नहीं है भरतपुर के। आज जो दिन में 35 केस आए उनमें 2 दर्जन से अधिक केसेज भरतपुर शहर के ही कोरोना पॉजिटिव के मिले हैं। जी बिल्कुल राजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें लगातार भरतपुर से जिस प्रकार के आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिला प्रशासन सतर्क हो गया है, मुस्तैद हो गया है और लगातार सभी तरह के इंतजाम वहां पर किए जा रहे हैं ताकि और जो संक्रमण फैल रहा है उसको फैलने से रोका जा सके। अलवर से हमारे संवाददाता चंद्रशेखर शर्मा फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, अलवर में क्या अपडेट, किस प्रकार के हालात हैं? बताना चाहूंगा कि अलवर में कोरोना का विस्फोट लगातार टूटता ही जा रहा है। जहां कल 11 पेशेंट एक साथ निकले, वहीं आज सुबह 9 बजे की रिपोर्ट में एक साथ 13 मरीजों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जी मैं बता देना चाहता हूं कि भिवाड़ी में जो शुरुआत हुई थी कोरोना मरीजों की, वो लगातार जारी है और आज भी 4 पेशेंट भिवाड़ी मिले हैं और इसके अलावा अलवर में 3 पेशेंट मिले हैं और जो लगातार पेशेंट मिल रहे हैं उसके बाद प्रशासन हरकत में आया हुआ है और जहाँ जहाँ 13 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं वहाँ पर एडवाइजरी के तहत कर्फ्यू लगाने की कार्रवाई की जा रही है। मनीषा बिल्कुल, चंद्रशेखर अभी जो पॉजिटिव निकल कर आ रहे हैं अलवर के ही रहने वाले हैं या फिर बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनमें से वो निकल कर सामने आ रहे हैं? बाहर से जो भी लोग आ रहे हैं, कोई गुड़गांव से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, उनका ज्यादा असर यहाँ पर देखा जा रहा है। अलवर में जो स्थानीय लोग हैं उनमें भी कोरोना की नहीं है, लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं वो कोरोना को ला रहे हैं। मनीषा बिल्कुल, चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें मौतों का जो आंकड़ा है वो 200 के पार हो गया है और लगातार ये जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि जयपुर में कोरोना के सबसे अधिक जो संक्रमित हैं वो जयपुर में हैं। लगातार राजस्थान में कोरोना का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। कोटा से हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, क्या अपडेट? मनीष, अगर आज कोटा की बात की जाए तो कोटा में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज निकलकर सामने आए हैं। अगर कोरोना पॉजिटिव की संख्या के कुल आंकड़े की बात करें तो 493 कोरोना पॉजिटिव मरीज अब तक कोटा में सामने आ चुके हैं। जिस तरह से लॉकडाउन इनकी शुरुआत हुई है तो कहीं ना कहीं लोगों की आवाजाही बढ़ी है मार्केट में और कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोगों को घूमते हुए देखा जा सकता है। मगर एक बात साफ तौर पर देखी जा सकती है कि कोरोना का खौफ अब जो शहरवासी हैं उनके नजर में नहीं लगता जा रहा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना और जिंदगी को पटरी पर लाना कुछ लोगों को ज्यादा जरूरी लग रहा है, तो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। और कोरोना का जो आतंक है वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। दर्शकों को भी बताना चाहूंगा
जिस तरह से लॉकडाउन इनकी शुरुआत हुई है और उसके बाद में जिस तरह से हर इलाके में कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक दुखद खबर है। इसके लिए लोगों को जागरूक रहना एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जी मनीषा, बिल्कुल राजेंद्र, तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें 9400 के पार राजस्थान में पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है।